Hello everyone, welcome to Dynamic Study. Today we are going to discuss about history and background of Elizabethan period. Before that, just look at around the screen and take screenshot of the syllabus according to NTA NET exam. This is the list of British literary period. I am showing this timeline regularly so that your mind captures it in your subconscious, and if you are practicing it on the regular basis, you can easily learn for your exam. बहुतों के मन में ये सवाल आया होगा कि मैंने ये टॉपिक से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इससे पहले जो पीरियड है ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड एज ऑफ रिवाइवल, उससे उस समय ड्रामा उतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था. और अगर हम यूनिट वन को कवर करना चाहते हैं जो कि ड्रामा है, इसलिए हमें एलिजाबेथन पीरियड से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा की शुरुआत एलिजाबेथन पीरियड से ही होती है. सोशल पॉलिटिकल कंडीशन को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी इस पीरियड में इवेंट्स होते हैं, जो फ्लरिश्ड होते हैं, आर्ट जो फ्लरिश्ड होता है, उसको जाने बिना हम डायरेक्ट ड्रामा पे जंप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो बिना सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशन को डिस्कस किए बगैर हम लोग समझ नहीं पाएंगे. और नेट एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है इवेंट्स और उसके रीज़न के बारे में, इसलिए हमें सोशल पॉलिटिकल कंडीशन को कवर करना बहुत ज़रूरी है. टाउन गिल्ड्स, द ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज टू परफॉर्म द प्ले फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे लिव इन आउटसाइड ऑफ द सिटी. तो एक तरह का लोगों का ग्रुप होता था, झुंड होता, जो एक शहर से दूसरे जगह जाया करते थे और प्ले को परफॉर्म किया करते थे. ऐसे लोगों को टाउन गिल्ड्स बोलते थे और ये शहर के बाहर ही रहते थे. आप कई बार जब सफर तय करते हैं तो आप देखे होंगे कि रोड के किनारे या किसी बड़े से फील्ड में एक टुकड़ी रहती है जिसे हम खानाबदोश बोलते हैं. या तो कोई सामान वो बेच रहे होते हैं या एक शहर से दूसरे शहर वो आना जाना करते रहते थे. अगर हम इसका कंपैरिजन टाउन गिल्ड्स से करें तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं. बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग परफॉर्म करते थे और बदले में लोगों से पैसे लेते थे. ड्रामा चर्च, चर्चयार्ड, स्ट्रीट और उसके बाद फिर थिएटर में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, ड्रामा एसोसिएशन इस बात को समझ जाता है कि हमें एक ऐसा जगह चाहिए बड़े स्केल पे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर के, भारी मात्रा में आकर के ड्रामा को परफॉर्म होते हुए देखें और भारी संख्या में लोग आकर के इसका आनंद उठा सके. नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनेसा की. रेनेसा मीन्स रिबर्थ एंड रीअवेकनिंग. इसका मतलब होता है पुनर्जन्म. और पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं कि हाँ आप पैदा हो गए दोबारा फिर से जन्म, नहीं. इस रेनेसा का मतलब ये होता है कि इंसान की मानसिकता का फिर से कैसे जन्म हुआ. और इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि रेनेसा क्या है, इसके पहले हमें ग्रीक ड्रामा को पढ़ना जरूरी है. इन ग्रीक ड्रामा इट इज बिलीव दैट ह्यूमन आर इक्वल टू गॉड, दे फाइट विद गॉड एंड इवन गेट विक्टोरियस विद देयर पावर, फॉर एग्जाम्पल हरक्यूलिस एंड अदर ग्रेट हीरोज ऑफ ग्रीक ड्रामा. सो वेन पीपल स्टार्टेड टू बिलीव ऑन ह्यूमन्स अलॉन्ग विद दिस, ऑल आर्ट फॉर्म्स स्टार्टेड टू फोकसिंग ऑन द ग्लोरीफाइंग नेचर ऑफ ह्यूमन्स. ग्रीक ड्रामा में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ह्यूमन्स को गॉड के इक्वल माना गया है, और जो ह्यूमन्स होते थे वो गॉड से फाइट करते थे और उनसे जीत भी जाते थे. एग्जाम्पल के लिए हरक्यूलिस को हम देखते हैं. और इस बात से जब प्रभावित होकर के सारे लोग इस अपने डे टू डे लाइफ में इस बात को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया था, और इसी से इंस्पायर होकर के जो आर्ट फॉर्म है उन्होंने भी ह्यूमन की जो मतलब चित्रण किया, वो ये किया कि वो कैसे ह्यूमन जो है वो एक्चुअली गॉड के इक्वल है. और ऐसे जो ड्रामास थे जिसको हम देख सकते हैं कि कैसे ह्यूमन और गॉड के बीच में जो है इक्वालिटी है, ऐसे सच ड्रामास है एस्कलस, सोफोक्लेस एंड यूरिपिडीस. कुछ अगर पेंटिंग्स की बात करें हम, तो लियोनार्डो द विंसी का द लास्ट सपर में देखें, जहां पर हम देखते हैं कि जेसस को नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के रूप में दर्शाया गया है और उनके पास कोई भी हेवनली क्वालिटीज़ नहीं है.
माइकलएंजेलो की अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो उसमें एक ऐसा पेंटिंग है जिसमें एडम जो है वो नेचुरल लैंडस्केप में है और उनके साथ भगवान है जो कि बिल्कुल हुबहू इंसानों जैसे दिखते हैं, और जो गॉड है वो चारों तरफ एंजल से घिरे हुए हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। तो इनका बेसिकली मोटो यही था कि ह्यूमन को कैसे ग्लोरीफाई किया जाए, कैसे उनका चित्रण किया जाए। रेनेसा मेन फोकस इज टू फोकस इज ह्यूमन एंड इट इज रिबर्थ ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट एंड आर्ट फॉर्म्स। रेनेसा इंस्पायर्ड फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक एंड एंशियंट रोम एंड ह्यूमन इज द सेंटर। दे आर नॉट इम्फेसिस ऑन डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन एज मिथिकल मिस्टिकल। रेनेसा का मेन फोकस ये था कि लोगों में जो फिर से चेतना आए, लोगों में फिर से ये समझ पैदा हो जो क्लासिकल आर्ट और टेक्स्ट से बिल्कुल रिजिड हो चुकी थी, जो बिल्कुल बंद हो चुकी थी, रेनेसा के आते ही उनका दिमाग खुल जाता है। और ये ग्रीक और एंशियंट रोम से इंस्पायर होकर के रेनेसा बेसिकली पूरे यूरोप में, इंग्लैंड में फ्लरिश्ड होता है, और इसका जो सेंटर है वो है ह्यूमन। और ह्यूमन को इस तरीके से दर्शाया गया है कि जैसे ये कोई रहस्यमय इंसान नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान है, और इवन गॉड भी एक नॉर्मल इंसान है। रेनेसा ह्यूमनिज्म का एक कोटेशन है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन, मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने दिमाग में, अपने थॉट में जितनी ज़्यादा फ्रीडम लाते हैं, अपने एक्शंस में जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता लाते हैं, हम इंसानों की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ती है, हम उतने ज़्यादा स्केल पे डेवलप कर सकते हैं। और रेनेसा का जो रीज़न था वो ये था कि इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ मैन शुड बी सुपीरियर, दिस शुड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लाइंड फेथ ऑन चर्च। चर्च ने जिसे इंसानों के दिमाग में इस बात को पूरी तरीके से बैठा दिया था कि सिर्फ भगवान है, चर्च है, और उसके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन रेनेसा के आते ही ये विश्वास जो है वो पूरी तरीके से भंग हो जाती है। लोगों में हर काम को करने के पीछे रीजन रहता था, इंटेलेक्चुअलिटी रहती थी, अपना जजमेंट रहता था। इन इंग्लैंड रेनेसा केम इट and it replaced the ideology of church with the secular human capacity to learn and create. Human studies is progressed and human nature is the center of the theme. England में जैसे ही रेनेसा आता है, उन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि चर्च के जो आइडियोलॉजी थे, चर्च के जो विचार थे, उन्हें सबसे पहले ख़त्म किया, और ह्यूमन की जो कैपेसिटी है कि वो कैसे सीखे, कैसे क्रिएशन करे, उस पर फोकस करने लग गया। और ह्यूमन ही पूरी तरीके से सिर्फ थीम था। चर्च यूज्ड वेपन ऑफ फियर टू पीपल एंड बाय रीबर्थ ऑफ इंटेलेक्चुअल द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम गॉड सिंस हेवन टू ह्यूमन रीजन, ह्यूमन कैपेसिटी एंड एंजॉइंग लाइफ। चर्च ने तो लोगों को इस कदर डरा दिया था भगवान के नाम पे, पाप के नाम पे, हेवन के नाम पे, लेकिन रेनेसा के आते ही ये सारी चीजें धूमिल हो जाती है, और क्या बचता है, सिर्फ ह्यूमन रीजन, ह्यूमन कैपेसिटी और एंजॉइंग लाइफ। Another reason why people started to reducing faith on God because when Black Death hit, plague 1347, half of the decayed population has swept away. Church overpowered on that time, so people believe on God collapsed when their near ones died. The ideas of good and bad doing is no longer survive, only human suffering left. जैसे ही यूरोप में ब्लैक डेथ ने हिट किया 1347 में, आधा से ज़्यादा डिकेट जो है, जो पॉपुलेशन है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, चुटकी में ख़त्म हो गई। तो लोगों ने अचानक से इस बात पे क्वेश्चन लाना शुरू कर दिया कि कहाँ गया वो भगवान जो चर्च हमें पढ़ाता है। चर्च ने तो हमें बोला था कि अच्छे कामों के बदले हमें अच्छे नतीजे ही मिलेंगे, लेकिन हमारे जो इनोसेंट पीपल है वो भी इस महामारी की चपेट में आ गए। तो दे स्टार्ट टू क्वेश्चनिंग ओवर गॉड, दे स्टार्ट टू क्वेश्चनिंग ओवर चर्च कि कहाँ गया ये सारी चीज़ें जो हम चर्च आप हमें पढ़ाते थे, इनका तो कोई अब मतलब नहीं रहा, और जो अच्छाई बुराई ये सारी चीज़ें तो जैसे ख़त्म ही हो गई, सिर्फ ह्यूमन सफरिंग बची रह गई। रेनेसा सबसे पहले इंग्लैंड इटली में आया, फिर उसके बाद रोम में आया, और उसके बाद फिर इंग्लैंड में प्रवेश किया।
According to Petrarch, the father of human enthusiasm, we do not need to do the same thing which we have been taught, but variety is the spice of life. Petrarch के अनुसार वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो हमें चीज़ें पढ़ाई गई है, जो एक बार एक इंसान ने ऑलरेडी की हुई है, तो हमें उसी को फॉलो करना है. हम चाहे तो अपने हिसाब से भी वेरिएशन ला सकते हैं, जिंदगी का वही एक मज़ा है. और गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो और देखो कि अपने इंटेलेक्चुअल के बियॉन्ड भी दुनिया है और हमें उसको एक्सप्लोर करना है, ना कि जो रिजिड और ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स है उस पे हमें फॉलो करके लाइफ में चलना है. रेनेसां मेक्स पीपल बिलीव दैट वी डू नॉट नीड टू फॉलो चर्च, बट वी नीड टू वर्क एज अकॉर्डिंग टू आवर जजमेंट, इंटेलेक्चुअलिटी एंड रीजन. इट गिव्स अस फ्रीडम टू लीव एंड एक्सप्रेस. All the scholars, writers, painters started to write and talk about what they have been experiencing through their childhood to present day, not about heavenly bodies, God and angels. Every experience contains allegory to teach mankind about human development. Only believe one which be seen and experiences. Renaissance स्कॉलर्स, राइटर्स और पेंटर्स के दिमाग में भी ये बात काफ़ी अच्छे से बैठाती है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें हमने कभी देखी नहीं है, एक्सपीरियंस की नहीं है, उसके बारे में हम ज़बरदस्ती का लिखें और लोगों को बताएं. हमें उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, उन्हीं के बारे में लिखना चाहिए जो हमने एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की है, और इसी से ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक हॉर्न कॉन्ट्रोवर्सी की, जिसका मतलब ये है कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज जो है वो डेली डे टू डे लाइफ में, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के जो वोकैबुलरी है उसको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ मिक्सअप करके बोले. और दूसरा ग्रुप ये चाहता था कि नहीं, हम लैटिन और ग्रीक वोकैबुलरी को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे रेगुलर वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है वो करप्ट हो जाएगी. मान लीजिए अगर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी बोलने के साथ साथ संस्कृत बोलना शुरू कर दिया, तो आपके लिए तो ये भले आसान हो, लेकिन अदर जो आपके आसपास लोग हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी. तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी हुई थी काफ़ी बड़े पैमाने पे. एक ग्रुप चाहता था कि ग्रीक और लैटिन जो है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आए, और दूसरा ग्रुप नहीं चाहता था कि लैटिन और ग्रीक वर्ड को यूज़ किया जाए. जो नॉर्मल वो लोग डायरेक्ट बोलते थे, वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज़ करते थे, उसी को ही बोला जाए. और सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ग्रीक और लैटिन है वो प्रिस्ट और कलर्जी बोलते थे, और जो अपर क्लास वाले थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ की, जिसको हम वर्जिन क्वीन बोलते हैं. डेथ ऑफ मैरी द फर्स्ट एंड असेंशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1558. मैरी द फर्स्ट को ब्लडी मैरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने अपने समय में काफ़ी क्रुएलिटी दिखाई थी, लोगों को काफ़ी भड़काया था, काफ़ी मार काट हुआ था, काफ़ी ब्लडशेड हुआ था, और वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी. कैथोलिज्म इतनी ज़्यादा उसके लिए वो रिजिड थी कि हर जगह सिर्फ कैथोलिज्म होना चाहिए, प्रोटेस्टेंटिज्म को मार के भगाओ, कि लोगों ने गुस्से में आकर के उनका नाम ब्लडी मैरी रख दिया. लेकिन क्वीन एलिजाबेथ के आते ही ये पूरी की पूरी जो चेन बनी हुई थी वो पूरी तरीके से ख़त्म होती है. ऑल्दो जो एलिजाबेथ है वो इललेजिटिमेट चाइल्ड थी, और काफ़ी समय तक वो लंदन और टावर में कैद थी. काफ़ी लंबे समय तक उन्हें इंग्लैंड में बंदी बना के रखा गया था. लेकिन उनकी बहन, सौतेली बहन मैरी द फर्स्ट के मृत्यु के जस्ट बाद ही एलिजाबेथ को राजगद्दी पर बैठाया गया. रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट बिफोर इट वॉज ब्लडशेड ओवर देयर. सुपीरियर गवर्नर ऑफ इंग्लैंड उनको टाइटल मिला गया. उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जैसे ही वो राजगद्दी में बैठती है, उन्होंने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को आपस में मिलजुल कर के रहने के लिए कहा.
उन्होंने कहा कि जिनको भी कैथोलिक रिलीजन को मानना है वो चुपचाप कैथोलिक रिलीजन माने और जो प्रोटेस्टेंट है वो चुपचाप प्रोटेस्टेंटिज्म को माने, आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देखते देखते पाते हैं कि लोग आपस में उनकी बातों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है वो एक स्थिर हो जाता है, उनमें एक संवेदनशील जो एक स्थिरता है वो आ जाती है। इसीलिए उनको सुपीरियर गवर्नर ऑफ इंग्लैंड भी बोला गया है। शी स्टेबलाइज्ड वॉर एंड फ्लरिस्ट आर्ट एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन एग्रीकल्चर प्रमोशन। जैसे ही कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में स्थिरता आई, लोग दूसरे काम करने लग गए। वॉर छोड़ के वो दूसरे काम जब करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि आर्ट फ्लरिस्ट होगा, लोगों के बीच में साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की भावनाएं आएंगी, लोग एग्रीकल्चर प्रमोशन करेंगे। तो ऐसे ही इंग्लैंड में अचानक से आर्ट जो है डेवलप हो गया। शी हैंडल सिंगल हैंडली मिलिट्री एंड फिल्ड देयर हार्ट विद पैट्रियोटिज्म टू डिस्ट्रॉय स्पैनिश अरमाडा। स्पैनिश अरमाडा 100 स्पैनिश शिप्स केम टू डिस्ट्रॉय इंग्लैंड। दिस इवेंट मेड इंग्लैंड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। एलिजाबेथ ने सिंगल हैंडली पूरी मिलिट्री को अपने हिसाब से चलाया। उन्होंने उनके दिलों में पेट्रियोटिज्म को लेकर के इतना इमोशनल कर दिया, उनके दिलों में देश के लिए इतना ज़्यादा प्यार भर दिया कि लोग 100 स्पैनिश शिप्स जो आए थे, जिनको स्पैनिश अरमाडा बोलते हैं, उन्हें चुटकी में डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस अकेले पूरे इवेंट ने पूरे इंग्लैंड को फेमस कर दिया कि अब इंग्लैंड के जैसा पावरफुल कहीं नहीं है। और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में जो स्थिरता लाई गई, इसीलिए क्वीन एलिजाबेथ को सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च बोला गया है। उन्होंने इवन यहाँ तक कि अलाउ किया कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक अगर अलग अलग प्रे करना नहीं चाहते हैं तो वो आपस में एंग्लो क्रिश्चियन चर्च में आकर के भी प्रे कर सकते हैं साथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज ऑफ एक्सप्लोरेशन ड्यूरिंग क्वीन एलिजाबेथन राइन। यूरोपियन कंट्रीज दे बिलीव दैट दे आर द ओनली सुपीरियर एंड होल वर्ल्ड इज एग्जिस्ट ऑन अस। ग्रीस, रोम, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, पोर्तुगीज, दीज आर द कंट्रीज विच दे थिंक दैट दे आर द ओनली वर्ल्ड विच एग्जिस्ट। तो ओल्ड वर्ल्ड को हम लोग कह सकते हैं स्पेन, ग्रीस, रोम, इटली, इंग्लैंड और पोर्तुगीज, और न्यू वर्ल्ड को हम लोग बोलते हैं एशिया और अमेरिका। ऐसा क्यों बोलते हैं हम आगे जाकर के पता कर लेंगे। प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्तुगल बिगेन द फर्स्ट स्कूल ऑफ ओशियनिक नेविगेशन फॉर सर्चिंग न्यू वर्ल्ड। ही हेल्प टू क्रिएट मैप मेकिंग। दे आर सर्चिंग फॉर गोल्ड। तो बात यह होती है कि यूरोपियन कंट्रीज को ऐसा विश्वास था कि उनके आगे और कोई दूसरी दुनिया नहीं है, सिर्फ यूरोप ही है इस पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जो यूरोप है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। तो उनके लिए पॉसिबल था कि दूसरी दुनिया भी कोई है। लेकिन क्वीन एलिजाबेथन के राज्य में जब लोग एक्सप्लोर करने लगे, एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, इस समुद्र के उस पार भी बहुत बड़ा एक दुनिया है जिससे हम लोग अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। स्पेन एंड पोर्तुगीज वॉज द फर्स्ट वन हु डिसाइडेड टू एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड। और इसमें प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्तुगल जो थे, उन्होंने फर्स्ट स्कूल ऑफ ओशियनिक नेविगेशन खोला, या फर्स्ट स्कूल ऑफ ओशियनिक नेविगेशन करके एक स्कूल खोला जो मैप मेकिंग करता था, ताकि उनके बाद जितने भी एक्सप्लोरर है वो उस मैप को यूज करके इस यूरोप के बियॉन्ड की जो दुनिया है वहाँ पर जा सके और उनके बारे में पता कर सके, क्योंकि उन्हें कहीं से पता था कि जो दूसरी दुनिया है, यानी कि जो एशिया है, अमेरिका है, वहाँ पे भारी मात्रा में सोने, खनिज और पदार्थ हैं। इन एस्टिमेट अप्रोक्स 20 ईयर्स 7 मिलियन गोल्ड एंड मिनरल्स वेयर टेकन फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। इवन वेजीज लाइक टोमेटो, पोटैटो, क्रोप, मेज़ व
were introduced to Europe countries, and in exchange they introduced new world to horses, pig and domestic life. This exchange of good between there is known as Columbian Grand Exchange. But the sad reality is that by this exchanging between New World and Old World, new diseases and enslavement also started. This is the beginning of colonization, and it became an age of exploration to age of exploitation. Europe countries were in the competition that who will create the most powerful empire all over the world, that will become the more powerful. And more slaves and gold making them rich and powerful in their point of view. एक आंकड़े से पता लगाया गया है कि 7 मिलियन गोल्ड और खनिज जो है अमेरिका से यूरोप में एक्सपोर्ट किया गया है, और यूरोप जो है उसे चावल गेहूं इन सब के बारे में नॉलेज नहीं था, क्योंकि जब वो इंडिया आए, चाइना आए, तो उन्हें देखा कि यहाँ पे गेहूं और चावल की भारी मात्रा में खेती होती है। तो उन्होंने क्या किया कि ये सारी चीज़ें ले जाकर के वो यूरोप में बेचने लग गए, एक्सपोर्ट करने लग गए, और बदले में वो न्यू वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करवाया हॉर्सेस से, पिग से और डोमेस्टिक लाइफ से। और इसी सामान के जो आदान प्रदान होते हैं उसको कोलंबियन ग्रैंड एक्सचेंज बोलते थे। बट द सैड रियलिटी इज कि इस एक्सचेंजमेंट में क्या होता है कि कई रोग, संक्रमण और इन्फेक्शन न्यू वर्ल्ड में आ जाते हैं, यानी कि न्यू वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और जो बिगिनिंग है कोलोनाइजेशन का वो यहीं से स्टार्ट होता है। और ये जो एज है वो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन से एज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बन जाता है। डच, स्पेन और ब्रिटेन जैसी जो कंट्रीज थी उनमें न्यू कॉलोनीज को बनाने की अजीब सी होड़ मच जा गई है। वो अपने एक्सप्लोरर को इंडिया, अमेरिका, चाइना यहाँ पे भेजते हैं कि जाओ वहाँ पर जाकर के एक्सप्लोर करो, और जो सबसे पहले जिस कंट्री से सबसे पहले वहाँ पे कैप्चर्ड एक्सप्लोरर जो है वो उस जगह को कैप्चर करेंगे, उस जगह की पूरी संपत्ति धन उनकी हो जाएगी, उनके अंडर में आ जाएगी। और यहीं से शुरुआत होती है कॉलोनाइजेशन की। और यूरोप कंट्रीज में होड़ मच जाती है कि जो सबसे ज़्यादा स्लेव रखेगा, जो सबसे ज़्यादा सोना रखेगा, वो उसका दबदबा सबसे ज़्यादा रहेगा, और वही उसी का जो एम्पायर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा। तो हमने देखा कि कैसे सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस और इकोनॉमिक कंडीशन थे इस एज में। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मैरलो, यूनिवर्सिटी वीट्स और अदर इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।